आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार DLED सेकेंड ईयर ECP2 के लिए जो है आप सभी लोगों को लेसन प्लान के फॉर्मेट और बना बनाया लेसन प्लान बताने वाले हैं, जो कि आपके हिंदी के यह लेसन प्लान 6 है। बाकी इससे पहले हमने 5 लेसन प्लान बनाया है, बाकी उससे भी पहले हमने जो है बहुत सारे लेसन प्लान का PDF जो है और आपके जो है वीडियो जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे कि आपको कैसे बनाना है, किस तरह बनाना है, ताकि आपको दिक्कत परेशानी नहीं हो। तो अभी लेसन प्लान हिंदी के ऊपर बात कर रहे हैं। तो जैसे कि आप सभी लोगों को फॉर्मेट पता होगा, नहीं पता होगा तो इस वीडियो को देख लीजिए, इस वीडियो के अनुसार आप बना लीजिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। यह क्लास 1 का जो है आपका हमारा गाँव चैप्टर का जो है लेसन प्लान है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लेसन प्लान जो होता है वो अपने आप को जो है तैयार करने की एक प्रक्रिया होता है, जिसके तहत आप जो है किसी पाठ को पढ़ाने से पहले अपने आप को तैयार करते हैं। जैसे कि विद्यालय का नाम आपको यहाँ पर लिखना है, प्रशिक्षु का नाम लिखना है, सत्र आपको लिखना है, वर्ग लिखना है, कक्षा लिखना है, कक्षा 1 है, बच्चों की अनुमानित संख्या लिख दीजिए, तिथि यहाँ पर लिख दीजिए, जो भी आपका तिथि होगा, समझ गए, यहाँ पर जो भी आपका तिथि है वो लिख दीजिए, अवधि लिख दीजिए, इकाई लिख दीजिए, फिर यहाँ पर विषय है घंटी है, विषय हिंदी, विषय वस्तु क्या है हमारा गांव। विषय वस्तु कहने का मतलब होता है ये हमारा चैप्टर है, तो ये चैप्टर क्या है हमारा गांव है, जो कि क्लास 1 का है आपका हिंदी का, समझ गए। अब आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर आपको ACP प्रभारी व्याख्याता का नाम लिखिए, जो ये आपका मेंटर है उस मेंटर टीचर का यहाँ पर नाम लिख दीजिए। फिर यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि विषय वस्तु से संबंधित पूर्व समीक्षा, यहाँ पर बोला गया है नए विषय वस्तु की चर्चा शुरू करनी है, तो जी हाँ नए विषय वस्तु की चर्चा शुरू करनी है, यहाँ पर ये हो जाएगा। पिछले क्लास के विषय वस्तु का विस्तार करना है, कहने का मतलब है कि जब भी आप कोई चीज़ नया शुरू करते हैं तो नया वाला में टिक कीजिएगा, और जब भी आपको लगेगा कि पिछला कुछ करने चाह रहे हैं तो पिछला मतलब जैसे कि आपने पिछले कक्षा में पढ़ाया था लेकिन पूरा नहीं हो पाया था, तो फिर उसी चैप्टर को स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप टिक कीजिएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा, समझ गए। आगे यहाँ पर आपका आ जाता है यह विषय वस्तु इस कक्षा के पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम में उल्लेखित किन उद्देश्य बिंदुओं से जुड़ा हुआ है, यानी कि यह जो विषय वस्तु है हिंदी है यह कक्षा के जो है पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में किस मतलब उद्देश्य और बिंदुओं से जुड़ा हुआ है, इसको समझेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला यहाँ पर है कि बच्चों को गांवों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की मतलब मिलेगा, यानी बच्चे जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे हमारा गाँव, तो इस पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम के माध्यम से बच्चों को जो है गांव के बारे में जानकारी प्राप्त करने का मौका मिलेगा। अगला है बच्चों को बोलने का अवसर प्रदान करना। तीसरा बिंदु है यहाँ पर अधिक से अधिक बातों से उनके गांव के बारे में विचार को जगाना। चौथा यहाँ पर उद्देश्य है बात सुनने एवं समझने की क्षमता का विकास करना, यानी कि यह जो विषय वस्तु है इस कक्षा का इस पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में उल्लेखित जो है यह सब उद्देश्य और बिंदु है जो कि बच्चों में डेवलप्ड करना है। यह होने के बाद जो है आपको आगे बढ़ना है, और यहाँ पर एक और बिंदु आ जाता है, क्या यह विषय वस्तु पूर्वतः कक्षाओं में पाठ्यक्रम में शामिल है, तो नहीं, क्योंकि ये कक्षा 1 का है, ये तो क्लास 1 का है, तो क्लास 1 से पहले KG आता है और KG में ये चैप्टर नहीं दिया रहता है। अगला यहाँ पर है क्या मैंने इस विषय वस्तु का शिक्षण पहले किया है, तो हाँ मैंने इस विषय वस्तु का शिक्षण पहले किया है, बचपन में आप पढ़े होंगे हमारा गांव के बारे में। अगला यहाँ पर है यह विषय वस्तु इस कक्षा के और किन किन विषय इकाइयों से जुड़ा हुआ है, तो यह विषय जो होता है वस्तु इंग्लिश के एक अध्यापक से मतलब अध्याय से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये भी आपको देखना है कि यह जो चैप्टर आप हिंदी में जो पढ़ा रहे हैं क्या यह चैप्टर जो है किसी अन्य विषयों से जुड़ा हुआ है, तो यह जो चैप्टर है हमारा गांव यह जो है आपको कक्षा 1 के इंग्लिश बुक में भी मिलता है, माई हाउस नाम चैप्टर, तो उससे जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है यह विषय वस्तु इंग्लिश के जो है अध्याय से जुड़ा हुआ है, या नहीं जुड़ा है तो आप लिख सकते हैं कि नहीं जुड़ा हुआ है, ये भी आप लिख सकते हैं, समझ गए, जुड़ा हुआ है जब आप लिखिएगा। तो आगे आप बढ़िएगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कक्षा के विद्यार्थियों के पास इस विषय वस्तु से संबंधित क्या आधारभूत समझ हो सकता है, तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए क्या दिया रहता है, बहुत कम, थोड़ा बहुत और बहुत अधिक, तो आप क्या बोलिएगा कि कक्षा में विद्यार्थियों के पास जो है इस विषय वस्तु से संबंधित जो है आधारभूत समझ जो था वह थोड़ा बहुत था, क्या था, थोड़ा बहुत, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मतलब आंसर कहने का मतलब है कि आप टिक कर दीजिएगा, समझ गए। आगे यहाँ पर बढ़िएगा तो अब एक और बिंदु आ जाता है विषय वस्तु पर विषय वस्तु का विवरण। अब आपको यहाँ पर बताना है कि हमारा गांव जो चैप्टर है उसका उद्देश्य क्या है, उसका आपको बताना है विवरण, संक्षिप्त में आपको बताना है कि इस चैप्टर में आखिर करना क्या है। तो यहाँ देखिएगा, यह विषय वस्तु कविता के रूप में है,
और यह विषय वस्तु बच्चों में गांव के प्रति संवेदनशीलता पैदा करना, ताकि वे गांव के प्रति जो है सहज और सग्रह रह सके, यही इसका जो है क्या है आपका उप विषय और विषय वस्तु का विवरण है। अब यह विवरण आप जब बता दीजिएगा तो इस चैप्टर का जो है उद्देश्य भी बताइएगा कि हमारा गाँव जो चैप्टर है इसका उद्देश्य क्या है। तो पहला यहाँ पर है बच्चों को गाँव व शहर के बारे में जानकारी प्रदान करना, अगला है गाँव के बारे में संपूर्ण जानकारी कराना, अगला है गाँव के किस माध्यम से क्या लाभ है अथवा नुकसान होता है उसकी चर्चा करना, अगला यहाँ पर उद्देश्य है गांव के खूबसूरती के बारे में बच्चों को बताना। यानी कि इस चैप्टर का उद्देश्य यही सब है कि बच्चों को हम गांव और शहर के बीच में जानकारी प्रदान कर सकेंगे, संपूर्ण जानकारी गांव के बारे में बताएंगे, गांव के खूबसूरती के बारे में बताएंगे, गांव के जो है माध्यम से क्या लाभ है क्या हानि है वो सारी चीज़ें बच्चों को बताएंगे। यह जो है उनका उद्देश्य है चैप्टर का। अब हम यहाँ पर जानेंगे कि सीखने सिखाने की विधि क्या है, तो संवाद विधि, प्रश्नोत्तर विधि तथा प्रदर्शन विधि। अब यह विधि के माध्यम से हम चैप्टर को बताएंगे, संवाद करके प्रश्न पूछकर प्रदर्शन के माध्यम से बच्चों को पढ़ाएंगे। तो अब यहाँ पर पूछा गया है कि यह जो आपने विधि चुना क्यों चुना, तो संवाद विधि, प्रश्नोत्तर विधि और प्रदर्शन विधि। संवाद विधि इसलिए चुना, संवाद विधि के द्वारा बच्चों से गांव के बारे में बातचीत करेंगे, प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से इस विधि के अंतर्गत बच्चों से गांव से जुड़े प्रश्न पूछेंगे, प्रदर्शन विधि के माध्यम से इस विधि के अंतर्गत बच्चों को चार्ट पेपर पर चित्र दिखाएंगे, समझाएंगे गाँव के सभ्यता संस्कृति और रीति रिवाज और उनके जो है नियम कानून को, बच्चों से बातचीत करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, संवाद करेंगे और बताएंगे, समझ गए। इसलिए यह सभी विधि को चुनाव किया गया है। अब यहाँ पर वर्ग व्यवस्था की बात करेगा कि वर्ग व्यवस्था कैसा रहता है, तो सभी बच्चों ने श्रेणीबंध में बैठे थे, कमरे पर्याप्त मात्रा में रोशनी थी, बच्चे गांव के बारे में जानने के लिए सक्रिय थे। यह लिखने के बाद आपको जो है योजना की बात करना है, और जैसे आप योजना बनाइएगा सबसे पहले आपका जो है कला अवधि आता है। कला अवधि कहने का मतलब है कि आपका क्लास जो है कितने मिनट का होता है, तो माइक्रो टीचिंग आपका मिनिमम जो है 36 मिनट का होता है, लेकिन 40 मिनट लेकर हम लोग चलते हैं। तो 5 मिनट पाठारंभ के लिए, 10 मिनट गांव के जुड़ी प्रश्न उत्तर के लिए, फिर 15 मिनट बच्चों से हम बताएंगे गांव से जुड़ी सभी जानकारी और लाभ हानि के बारे में, अंत में बच्चों को गृह कार्य देकर चैप्टर को समाप्त करेंगे। यानी कला अवधि है कि मुझे कितना मिनट में क्या करना है कैसे करना है। यह होने के बाद अब जो है आपको पाठारंभ करना है, तो पाठारंभ करने से पहले जो है आपको कुछ प्रश्न पूछने होते हैं, पूर्वावलोकन के माध्यम से बच्चों से ही प्रश्न पूछते हुए तब आपको जो है पाठारंभ के जाने जाया जाता है, तब उद्देश्य कथन बोलकर तब विषय वस्तु विस्तार किया जाता है। तो उसके बाद जो है उदाहरण का प्रयोग करते हुए विषय के में प्रवेश करेंगे, सीरियल नंबर, अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया और छात्र क्रिया। पहला प्रश्न पूछेंगे बच्चों से, बच्चे आप गांव में रहते हैं या शहर में, तो बच्चे बोलेंगे गांव में। अगला प्रश्न बोलेंगे अपने गांव का क्या नाम है, तो विभिन्न जगहों के नाम बच्चे अपने गांव का नाम बताएंगे। अगला प्रश्न पूछेंगे आप अपने गांव के बारे में क्या क्या जानते हैं, मौन, बच्चा समस्यात्मक। यानी कि मुझे यहां पर समस्या मिल गया, अब हम जो है उद्देश्य कथन कहेंगे कि बच्चों आज हम लोग जो है हमारा गाँव चित्र पठन का विस्तार अध्ययन करेंगे। देखिए उद्देश्य कथन हमने बोला कि बच्चों आज हम लोग जो है हमारा गांव चित्र पठन का विस्तार कथन जो है अध्ययन करेंगे। उसके बाद आप जो है विषय वस्तु के ऊपर या विषय विस्तार के ऊपर चले जाइएगा। अब यहाँ पर है शिक्षण बिंदु, शिक्षण, प्रशिक्षु क्रिया, छात्र क्रिया और श्यामपट क्रिया। श्यामपट पर लिख देंगे हमारा गाँव, चित्र भी बना देंगे हमारा एक गाँव का, ताकि बच्चे जो है समझ सके। उसके बाद जो है चित्र पठन के परिचय करेंगे। देखिए अब आपका काम क्या है कि शिक्षिका चित्र से संबंधित प्रश्न से करेंगे तथा चित्रों से परिचित करवाएंगे, विद्यार्थी चित्र को ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे। अगला है कठिन शब्दार्थ, दिए गए जो पाठ है उसमें शिक्षार्थी जो है या शिक्षिका जो है पाठ में आए कठिन शब्दों को श्यामपट पर लिखेगी, छात्र भी शब्दों को बोलेंगे, पेड़, गाय, साइकिल, किसान, ये जो है इस चैप्टर में आया हुआ है। फिर पाठ व्याख्या करेंगे, अंत में शिक्षिका पाठ का व्याख्या करेंगे, जैसे बच्चे इस पाठ में ग्रामीण परिवेश के चित्र पठन किया, इसमें पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे किसान गाय के चारा खिलाती रहे आदि के बारे में बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और नोट डाउन करेंगे। ये होने के बाद जो है फिर आपको जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो सारांश करना है, फिर गृह कार्य देना है। सारांश में आप बच्चों को बताइएगा कि अभी आपने क्या पढ़ा। बच्चे इस पाठ से हमने ग्रामीण परिवेश के विषय में अध्ययन किया कि किस तरह जो है गृह से लोग गांव में निवास करते हैं, समझ गए। गृह कार्य देंगे कि दो प्रश्न दे देंगे, अपने गांव के बारे में लिखे या गांव में जो भी चीज़ें दिखाई देती है उसका सूची बनाइए और कल कक्षा में पूछेंगे। यानी ये जो है उनके परिवेश से जुड़ा हुआ दो आपको होमवर्क देना है। फिर यहाँ पर अगला आता है प्रशिक्षु के हस्ताक्षर, यहाँ पर आप लोग हस्ताक्षर कर दीजिए, प्रभारी का यहाँ हस्ताक्षर हो जाएगा। विद्यालय में व्याख्या द्वारा निर्माण कुछ अनुमोद, अगर कुछ व्याख्याता आपके कुछ अनुमोद करते हैं तो यहाँ लिखेंगे, तो खाली छोड़ दीजिएगा। फिर यहाँ पर आता है वर्ग में पाठा समीक्षा बिंदु, संबंधित दूसरे प्रशिक्षु
प्रशिक्षु का अवलोकन अगर कुछ बोल रहा है दूसरा प्रशिक्षु तो लिखिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। प्रभारी व्याख्याता द्वारा समीक्षा, अगर प्रभारी जो है कुछ चैप्टर में कुछ सुधार करना चाहते हैं तो यहाँ पर वो लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़िएगा तो अगला आ जाएगा शिक्षिका शिक्षिका द्वारा स्व मूल्यांकन और सुझात्मक बिंदु। पहला यहाँ पर प्रश्न आ जाता है, क्या विद्यार्थी ने उस उद्देश्य को समझा जिसके लिए यह विषय वस्तु बनी थी, इसका मूल्यांकन किया गया? तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा हाँ, विद्यार्थी ने विषय वस्तु के उद्देश्य को समझा और इसका मूल्यांकन भी किया गया। पहला आपसे प्रश्न पूछा गया अपने आप को आकलन के लिए। अगला प्रश्न पूछा गया, क्या इस विषय वस्तु को फिर से कक्षा में चर्चा करने की आवश्यकता है, क्यों और क्यों नहीं? तो यहाँ पर बोलिएगा कि नहीं, पुनः चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बच्चे इस पाठ के अच्छे से समझ चुके हैं, जिस पाठ का उद्देश्य था वो बच्चे समझ गए। अगला यहाँ पर प्रश्न आता है, विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए प्रमुख सवाल क्या थे, कितने विद्यार्थियों ने सवाल पूछा? तो हाँ, कक्षा में एक विद्यार्थी ने सवाल पूछा गाँव क्या है, एक बच्चा ने सवाल पूछा गांव क्या है, आपसे दो तीन बच्चे भी सवाल पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है, मैंने उन सवाल को कैसे समझाया, क्या विद्यार्थियों से ही स्वयं उन सवालों को हल करने का मौका दिया? तो हाँ, मैंने बच्चों ने सामूहिक चर्चा के द्वारा उन सवालों को हल किया, वे भी सही सही। ये होने के बाद आपको एक और बिंदु आ जाता है, इस विषय वस्तु के सीखने सिखाने में किस प्रकार के संसाधनों का प्रयोग किया गया, उनकी क्या उपयोगिता रही, चौक डस्टर श्यामपट घर का चित्र पाठ्य पुस्तक प्रयोग किया गया और इसकी यह उपयोगिता रही कि बच्चे रुचिपूर्वक आनंद रूपक से जो है बच्चे इस पाठ को सीख पाए समझ पाए। अगला है, इस विषय वस्तु को यदि दोबारा पढ़ाया जाए तो मैं सीखने सिखाने की योजना में क्या बदलाव करूंगा? कोई बदलाव नहीं करूंगा, जो मैंने बनाया है वो बेहतर है। अगर बदलाव करने की जरूरत आएगी तो आप लिख सकते हैं कि जो पाठारंभ है उसमें थोड़ा बदलाव कर सकते हैं या विषय वस्तु में गतिविधि का आयोजन कर सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, इस विषय वस्तु से संबंधित कोई ऐसा सवाल जो दुनिया दुविधा जिसे आप संस्था के विशेषज्ञ या मेंटर से चर्चा करना चाहते हो, आवश्यकता नहीं है, कोई अन्य टिप्पणी नहीं, यहाँ पर आपका जो है द इंड हो जाएगा और यह जो है आपका एक लेसन प्लान कंप्लीट होता है, यह आपका जो है एक लेसन प्लान कंप्लीट होता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोगों से निवेदन है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। ओके धन्यवाद।